बॉलीवुड इंडस्ट्री में कास्टिंग को लेकर फर्जीवाड़े तो चलते ही रहते हैं और आए दिन किसी ना किसी बड़े कास्टिंग प्रोडक्शन टीम का या कंपनी का नाम इसमें शामिल होता रहता है। अब हाल ही में सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी ने कास्टिंग को लेकर फर्जीवाड़े पर अपना बयान जारी किया है। एक्टर की टीम ने किसी भी फिल्म के लिए कास्टिंग की बात से इनकार किया है और लीगल एक्शन लेने की चेतावनी दी है। वहीं बीते साल भी सलमान खान के नाम पर कास्टिंग को लेकर काफी फ्रॉड किया गया था और उनके प्रोडक्शन हाउस को स्टेटमेंट्स भी जारी करनी पड़ी थी। सलमान खान फिल्म के अलावा फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से भी जुड़े हुए हैं। इसके लिए उन्होंने साल 2011 में सलमान खान फिल्म्स के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था, जिसके नाम पर अब कास्टिंग का फर्जीवाड़ा किया गया है। फ्रॉड करने वालों को चेतावनी देते हुए प्रोडक्शन हाउस ने कहा कि अगर कोई भी पार्टी किसी भी अनऑफिशियल तरीके से मिस्टर खान या SKF के नाम पर गलत इस्तेमाल करती पाई गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं। प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म चिल्लर पार्टी थी, जिसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया था। वहीं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फर्रे भी SKF ने बनाई थी। इस फिल्म के साथ ही सलमान खान की भांजी अलीज़े अग्निहोत्री ने अपना एक्टिंग में डेब्यू किया था।